2013, इतना लंबा वक्त गुजर गया है, 9 साल गुजर गए हैं। और आप ये मत भूलिए कि देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमिस्ट में शामिल किए जाते हैं। अगर वो 9 साल में इस इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम एक बजट में क्या संभाल देंगे? नहीं संभालेंगे। इस समय यह है कि ये सरकार 1600 रुपये प्रतिदिन कर्ज पर चल रही है, ये रिकॉर्ड है, आज तक नहीं हुआ है। हमारे खजाने का घाटा बढ़ चुका है, तो ये तो बिल्कुल आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से एक विफल सरकार है, जिसने जो है जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। देखिए ये इस समय अब वो बहस जो है अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं साथ स्वीकार नहीं करेंगे, एक चक्र होता है समय का। मेरा मानना है कि 1991 से बाजार पूंजीवाद का जो चक्र आया है वो अपने मुकाम पर पहुंचा है। इस समय केवल रेलवे में ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फंडामेंटल चेंजिंग की मांग जो है दुनिया में भी है, भारत में भी है। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, देखिए इस समय सारे विश्व में मंदी है, भारत में उसका असर दिखाई दे रहा है, और जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं भारत का नागरिक भी हूं, इसलिए राजनीति पे भी ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। जो कांग्रेस इस समय अगले बजट में, जो अभी 2 दिन बाद बजट लाएगी, उसमें 11,000 करोड़ का प्रोविजन करने वाली है फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर, और यही फूड सिक्योरिटी बिल जो है इनका ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल अगर किसी भी तरह से लागू हो जाता है इस देश के अंदर तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का मन जीता जा सकता है, उनकी आर्थिक हालत सुधारी जा सकती है, भूख पर काबू पाया जा सकता है। और ये कदम मुझे अपेक्षा है कि 28 तारीख को वित्त मंत्री अवश्य उठाएंगे। लेकिन उसी फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर कई सारे मतभेद हैं विद इन यूपी ऑल्सो। खजाने की हालत ऐसी है, डायरेक्ट सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी बिल, आपको पता है कि देश हमारा कितने घाटे में, ये ईराना इजाजत देगा ऐसा करने को? नहीं, खजाना तो उस वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा था जब हमने 80,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। खजाने ने उस वक्त भी इजाजत नहीं दी थी, अवधेश जी, जब हमने मनरेगा को लागू किया था, और मनरेगा के अंदर कितने लीकेजेस है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम 600 रुपए सब्सिडी कैश ट्रांसफर तो एक गरीब परिवार को कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को कर रहे हैं, और शीला दीक्षित कहती हैं कि 5 लोगों का परिवार 2+2+1 वो 600 रुपए में खाना खा सकता है। मुझे बताइए 600 रुपए में क्या खाना खाया जा सकता है? क्या ये कैश सब्सिडी योजना कारगर है? कैश सब्सिडी योजना तो ये वोट सब्सिडी योजना है ना। अपने देश में यही तो समस्या है कि जो कुछ भी अस्थाई विकास के लिए, लोगों के वास्तविक कल्याण के लिए होना चाहिए, वो नहीं सोच के सरकारें अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए योजनाएं सामने लाती हैं। इस समय ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो देश के सामने सच्चाई रख के आह्वान करे कि हम गंभीर संकट में हैं, हम सबको अपने को कटौती करके संतुलन से और संयम से जीवन जीना होगा। लेकिन क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि अब आशीष जी बताएंगे कि इस देश में सरकारी कर्मचारियों की इसको लोग ध्यान ही नहीं दे रहा है कि छठे वेतन आयोग ने भड़बड़ा दिया है हमारे देश को, 5.9% अपने यहां का राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड है, जो कि 1991 में भी नहीं था। तो ये भयावह स्थिति, जिस समय किसानों का कर्ज माफी हुआ था दीपक जी, उतनी नहीं थी, वो केवल संकेत मिल रहा था कि ऐसी स्थिति में हमारा देश जाने वाला है। तो ये तो मनमोहन सिंह, अब तो राष्ट्रपति हो गए श्री प्रणब मुखर्जी, और हमारे वर्तमान वित्त मंत्री, तीनों के कुप्रबंधन ने हमारे देश को ऐसी दुर्दशा में पहुंचा दिया है कि अगली कोई भी सरकार आएगी उसके लिए राजनीति तो अर्थव्यवस्था तो छोड़ दिए, राजनीति करनी कठिन होगी। बिल्कुल।